चलिए आज सातवां क्लास है हम लोग का। पिछले क्लास में जो कॉन्सेप्ट देखे थे ना उसी का कुछ प्रॉब्लम्स और है। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज़ें होती है। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करते हैं उतने ज़्यादा महारत हासिल होगी आपको गणित में। तो चलिए पिछला जो कॉन्सेप्ट देखे तो उसी पर ये कॉन्सेप्ट है। बोर्ड में पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछ चुका है, बी एस ई बी में बहुत बार पूछ चुका है, ये बहुत बार घुमा फिरा के। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये मेरा सवाल है, प्रूव करने के लिए कह रहा है, ये मेरा LHS है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे, सबसे पहले हम LHS लेते हैं। तो आइए मेरा LHS है cot इनवर्स 9 प्लस cosec इनवर्स रूट अंडर 41/4। ध्यान से देखने वाले हो आप, है ना, सेम टू सेम चीज़ें ध्यान से देखिए। कॉट इनवर्स 9 प्लस कोसेक इनवर्स रूट 41/4। देखिए ये कॉट है और ये कोसेक है, ये है कॉट और ये है कोसेक, दोनों अलग अलग जाति वाला, जबकि दोनों को साइन होनी चाहिए, दोनों को कॉस होनी चाहिए, दोनों को कोसेक होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ध्यान से देख रहे हैं ना, एक है कॉट और एक है कोसेक, जबकि दोनों को सेम टू सेम होनी चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस कॉट को कुछ नहीं करते, बस इस कोसेक को कॉट बना लेते, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला है मेरे पास, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। यहाँ पे कॉट है और यहाँ पे कोसेक है, और अगर हम इस कोसेक को कॉट बना लेते हैं तो दोनों एक जाती हो जाएगी। आइए तो हम इस कोसेक को क्या बना लेंगे, कॉट। तो कोसेक को कॉट बनाने के लिए कौन सा अप्लाई करते हैं, कोसेक थीटा बराबर, टेंथ में कोसेक थीटा बराबर क्या था हम लोग को, एच बटा पी, कर्ण बटा लंब। तो ये मेरा ऊपर वाला चीज़ें हो गई एच और नीचे वाला चीज़ें हो गई पी। कोसेक का फॉर्मूला होता है एच बटा पी, तो मतलब एच है रूट 41 और पी है 4। तो इसलिए यहाँ से हम बी तो निकाल ही सकते हैं, यहाँ से हम बी निकाल सकते हैं। तो बी बराबर होता है एच स्क्वायर, मतलब रूट 41 का स्क्वायर 41 माइनस पी का स्क्वायर 4×16। अब जैसे देखिएगा बी बड़ा आपको निकलने वाली है 5 निकलेगी, क्योंकि 41 में से हम 16 घटाएंगे तो हमको 25 मिलने वाली है, है ना। तो बी बराबर कितना होगा, 5। तो अब ये एच पी और बी दिख रहा था, हम इसको किसी न किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हम करें। अब देख लीजिए, ये है कॉट इनवर्स 9 प्लस और ये कोसेक को क्या बनाने वाले हैं, कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स का कॉट का फॉर्मूला क्या होती है, कॉट का फॉर्मूला होता है बी बटा पी, कॉट का फॉर्मूला होता है बी बटा पी, बी बटा पी के लिए 4। अब ये b बटा पी का फॉर्मूला अप्लाई किए फिर से तुरंत हम, अब देखिए cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब cot इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, cot इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला होता है y प्लस x, ये 4 है, y प्लस x बटे y इंटू x, 5/4 × 9 − 1 cot का फॉर्मूला, कॉट इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, y प्लस x y इंटू x को इंटू किए -1। आइए हम थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं, थोड़ा सा जगह कारण, अब ये कॉट इनवर्स, अब थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ये मेन बट्टा है, लघुतम ले लेते हैं, कितना हो जाएगी, लघुतम हो जाएगी, ये होगा मेरा 4 और ये 9 × 45 − 1 ये चीज़ रही। फिर नीचे हम देख लीजिए एलसीएम हो गई तो 4 इधर दिख रही है 5 प्लस 9×36। ध्यान से थोड़ा देखने वाले हो आप, कॉट इनवर्स, अब देखिए ये 4 से 4 कटेगा, उधर 45 में से 4 घटेगा तो हम लोग को मिल रहा है 41, अब बटे 41, अब ये कट गई तो कितना हो रही है, कॉट इनवर्स 1, और कॉट 1 45 डिग्री के बराबर होता है, कॉट 1 बराबर ही ना 45 होता है, हमें क्या मिल रहा है 45, मतलब यही मेरा है RHS। तो बस प्रूव कर लेने, थोड़ा सा फॉर्मूला पकड़िए, जोड़ घटाव कीजिए और आपकी काम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं सेम टू सेम। ये सवाल बहुत ईजी सा सवाल है, आराम से हम यहाँ से हम LHS लेंगे, बहुत ईजी सवाल है, क्योंकि इसमें तो हम लोगों को ना कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। LHS क्या है मेरा, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, ये मेरा LHS है, बस LHS। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला हम लोग को पता है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला था एक्स इंटू वाई माइनस, अगर प्लस है तो माइनस, एक्स इंटू वाई बटे रूट अंडर 1 − x²
चार चक्के 16 और 25 इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, इसका 12 का स्क्वायर 144 और माइनस 13 का स्क्वायर 169। बस कुछ नहीं करनी है, जोड़ घटाव करनी है। बताइए 12 चक्के 48 बटे 13 पंचे 65 माइनस ये 25 में से 16 गया तो 9, ये मुझे निकल रही है 3/5, 169 में से 125 मतलब यहाँ दिख रहे हैं 5/13। बस थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हम लोग कॉस इनवर्स करके, ये देखिए 48 माइनस 65 अब माइनस 45 सॉरी 15/65, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं कॉस इनवर्स। अब देखिए 45 में से 65 गया कितना बचेगा 33, 48 में से 15 गया तो बचला हम लोग को 33, तो हम लोग को मिल रहे 33/65। यही देखिए यही हम लोग का आर एच एस है, बड़ी आराम से हम लोग काम कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो बस सिंपल सा फंडा है, सेम टू सेम, बस प्रॉब्लम्स क्रिएट, प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व करते रहिए, ढेर सारा मात्रा में आपकी काम होते रहेगी, समझ रहे ना। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो आप पूछ सकते हो कमेंट में, समझ रहे ना। आइए जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका सही जवाब देंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम्स 5-7 सवाल हो जाती है तो हम एक वीडियो बना देंगे प्रॉपर कमेंट पे, इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स हो आप जरूर कमेंट में करें, समझ रहे ना। बस कमेंट में सवाल पूछते रहे, है ना। आप मेरे चैनल पर डिपेंड हो सकते हो, है ना, आप घर बैठे मेरे चैनल पर डिपेंड हो सकते हो, आराम से पढ़ाई कर सकते हो, पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा आपको मेरे चैनल्स पे। ये सवाल भी देख लेते हैं, ये रहा हम लोग का आरएचएस और ये रहा एलएचएस और ये रहा आरएचएस, वही थोड़ी देर पहले देखे थे एलएचएस और आरएचएस। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं एलएचएस की जगह पे आरएचएस लेते हैं, हम प्रूव करने के लिए वो पार्ट को लेना पसंद करते हैं जिससे लेकर के फार्मूला पे सेट कर। देखिए इसमें एलएचएस जो है वो आरएचएस जैसा दिख रहा है, आरएचएस एलएचएस, तो इसका हम आरएचएस लेते हैं, एलएचएस ले आएंगे। अब इसमें आप आरएचएस लो, कभी कभी हम लोग एलएचएस नहीं लेते आरएचएस लेते, हम उस पार्ट को लेना पसंद करते हैं जिस पार्ट को लेके फार्मूला पे पुट करके आगे बढ़ा सकते हैं, तो बस हम आरएचएस को ही लेके काम करना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं अब आरएचएस, है ना, आरएचएस ले लेते हैं। जैसे आरएचएस लेंगे तो मेरा आरएचएस में क्या है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब थोड़ा सोचना स्टार्ट करें, आप सोचना स्टार्ट कीजिए, एक साइन में एक कॉस में लाना है टेन में, दिख रहा है साइन में कॉस में दे रखा है लेकिन लाना है हम लोग को टेन में, सेम टू सेम चीज़ है। आपके पास यहाँ से बहुत सारी ऑप्शन है, या तो दोनों को साइन बना दो फार्मूला लगा लो, दोनों को कॉस बना दो फार्मूला लगा लो और लास्ट में टेन बना लो, या तो दोनों को साइन बना लो फार्मूला लगा लो, दोनों को कॉस बना लो फार्मूला लगा लो और लास्ट में टेन बना लो छोटा सा आने के बाद, या तो अभी दोनों को टेन बना लीजिए फार्मूला लगा लीजिए। आप अभी दोनों को ही टेन बना के फार्मूला लगा लोगे तो लास्ट में आपको टेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लास्ट में आपको टेन मिल जाएगी, तो क्या करें अभी हम लोग, क्या करें दोनों को साइन बना ले कॉस बना ले लास्ट में टेन बना लेंगे, नहीं हम अभी ये दोनों को टेन बना लेते हैं, अभी दोनों को टेन बना लेते हैं, देख के टेन बना लेते हैं। तो ये साइन है और ये कॉस है, तो साइन को टेन बनाने के लिए क्या करते हैं देखो ध्यान से, तो साइन में क्या फार्मूला होती है, है ना, साइन में क्या होती है ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, साइन थीटा में होता है पी बटे, तो ऊपर वाला मेरा पी हो गया और नीचे वाला मेरा हो जाएगी एच, तो साइन थीटा में होता है पी बटे एच, तो ये हो गया पी और ये हो गया मतलब पी बराबर 5 और एच बराबर 13, तो इसीलिए यहाँ से बी तो निकल जाएगी ना भाई, अब हिंट्स के लिए यहाँ से बी तो निकल जाएगी ना, जब पी बराबर है 5 और बी बराबर है 13 तो ये 12 हो जाएगी, ट्राई कीजिए ना, जब पी बराबर है 5 और एच बराबर है 13 तो बी बराबर हो जाएगी 12, आप निकालोगे तो यहाँ पे देख लीजिए कॉस, कॉस में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, तो ऊपर वाला आइटम से बी या नीचे वाला आइटम से एच, तो इसलिए यहाँ पे पी कितना होगा, तो पी बराबर कितना होगा हम लोग को, तो पी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे पी बराबर होगा 4, समझ रहे हो ना। अब फाइनली हम यहाँ से देख लेते हैं ये साइन है, हमें क्या बनाना है टेन बनानी है, तो हम फट से यहाँ पे टेन बना लेते हैं, तो टेन इनवर्स, तो टेन का एंगल्स क्या होता है, टेन क्या होती है पी बटा बी, तो पी बटा बी, पी कहा गया भाई तो पी हो गया 5 अब बटा बी बराबर हो गए 12। चलिए हम इस साइन को टेन बनाने में कामयाब हो गए, फिर प्लस यहाँ भी कॉस को हम क्या बना लेते हैं टेन, तो जैसे हम कॉस को टेन बनाएंगे तो टेन का फॉर्मूला क्या होती है टेन के लिए टेंथ वाला पी बटे बी, तो पी कहाँ गया भाई पी 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 4 अब बटा बी के लिए 3। चलो फाइनली दोनों टेन बन गए, जैसे दोनों टेन बनना हम अब टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई लेंगे आराम से आ जाएगी। अब आराम से हम इसको टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए
तो tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस वाई का होता है x 5/12 x प्लस वाई 4/3 बट्टे 1 माइनस x इंटू वाई 5/12 इंटू 4/3 ये होती है। आराम से थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहोगे आप, देखो ये मेन बट्टा है, लघुत्तम लेते हैं कितना होगा 12/3 का एलसीएम, 12/3 का एलसीएम हम लोग हो रही है 12 है ना, 12/3 का एलसीएम हो रही है 12, तो ऊपर में कितना हो जाएगी 5 और प्लस 3 है ना, तो 3 से 12 कर ले 16 हम लोग को हो रही है, समझ रहे हो ना, हम लोग को रही 16। फिर देखिए 4 + 3 = 12 + 36 है, 36 - 5 = 20 यहाँ पे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं आराम, तब तक आगे बढ़ाते जब तक हमने, देखो ये 12 से 36 कटेगा तीन बार में, ये 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, ये 3 जो है पलट के ऊपर, तो 16 और 5 = 21 है ना, 21 में 3 से गुना कर लेंगे तो 21 + 63 21 हो रही हम लोग को 63 बटा 36 में से 20 गया तो 16, ये है आपको देखिए क्या मैच कर रहा है आपको LHS आई बिल्कुल, ये रहा हम लोग को LHS। तो बस कुछ नहीं, फॉर्मूला आपको ध्यान में है, फॉर्मूला याद है, बड़े आराम से पुट कर सकते हो, कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दें, बस सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान दें, जोड़ घटा को देखें आपकी काम हो जाएगी। ये रहा कुछ कॉन्सेप्ट, एक ये देख लीजिए ध्यान से, ये वाली चीज़ों को देखिए, इसमें ये मेरा LHS है, ये मेरा LHS है, हमें इसे हल करके क्या लानी है, पाई बाई फोर लानी है, लेकिन गौर कीजिए इसमें चार पद है मेरे पास, चार टर्म है ना, देखिए चार टर्म है 1, 2, 3 और 4, हमें इसे पाई बाई फोर लानी है, चार टर्म के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, तो हम लोग क्या करते हैं दो दो को एक साथ लेते हैं, दो दो को एक साथ ले रहे हैं, एक बार हम टेन वर्स 1/5 प्लस टेन वर्स ये दोनों को एक बार फॉर्मूला पे सेट करते हैं, फिर ये दोनों को फॉर्मूला पे सेट करते हैं। आइए हम लोग लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHS से, LHS से एक ही बार फार्मूला पे पुट कर लेते हैं हम, पहले ये दोनों को फार्मूला पे पुट करें, दोनों को फार्मूला पुट करते हैं, पहले ये दोनों को फार्मूला पे पुट करते हैं है ना, उसके बाद हम इसे फार्मूला पे पुट करेंगे, समझ रहे हो ना, आइए फार्मूला पे पुट कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट 1 माइनस एक्स इंटू वाई, देखिए ध्यान से देखने वाले हो आप, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, फिर ये दोनों को फॉर्मूला पर लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स मतलब 1/3 प्लस 1/8 बटे 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। फिर थोड़ा सा इसे हम आगे तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये छोटा ना हो जाएगा, आइए हम बात कर लेते हैं, लघु एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा ऊपर में 7/12/35 12/35 और फिर देखिए 7 × 35 में से एक गया 34/35 सही है, हम लोग ये 35 गया, ये 12 कितना बार में कटा है, ये कट रहा है 6 बार में और ये कट रहा है 17 बार में, दो से काट लेते हैं। फिर देखिए इसे हम लोग हल कर लेते हैं, टेन इनवर्स ये हल कर लेते हैं, इधर कितना 8 × 3 = 11/24 यहाँ पे 8 × 3 = 24 में से एक गया तो 23/24 देखिए ये कट गए हम लोग को, फाइनली हम लोग को क्या दिख रहा है टेन इनवर्स 6/17 प्लस टेन इनवर्स 11/23 अब ये पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे, फिर ये देखिए फिर ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई के फॉर्मूला पे हम लोग को दिख रही है, बस इसे हम फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई पे लगा देंगे, जैसे हम लगाए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का क्या होता है 6/17 प्लस 11/23 बटे 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23 ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पर लगाया, जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई के फॉर्मूला पर लगाएंगे हम लोग की काम हो जाएगी, आराम से भी इनका जोड़ कर लेते हैं, इनका जोड़ कर लेते हैं क्या है, बिन का जोड़ कर लेते हैं 17 × 11 है ना, फाइनली हम इसको अगर आगे बढ़ाते हैं ना, बिन का जोड़ करने के बाद फाइनली आगे बढ़ाते हैं हम लोग, फाइनली अगर आप आगे बढ़ा रहे हो तो आगे बढ़ाने का आपको निकलने वाली है टेन इनवर्स एक, जोड़ घटाव आप कर ही सकते हो ना, फाइनली आप जोड़ घटाव करोगे तो आपको आने वाली है टेन इनवर्स एक, और उसी एक का टेन इनवर्स एक का मान होती है पाई बटे फोर, जो कि आपके LHS से बराबर हो गए, समझ रहे ना, LHS से के बराबर है, ये रहा अप्रूवमेंट, समझ रहे हैं, ये चीज़ें हैं जिसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट देखो उस पर ढेर सारे एग्जांपल्स देखें, आपकी सारे बुक्स की कोई भी बुक्स पढ़ लो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और हाँ चैनल को ऐड कर लीजिएगा मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छा फील हो। हाँ तो देखते हैं ये सवाल को देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें 3 टर्म है एक साथ, साइन कॉस और टैन, तीनों को एक जाति बनानी पड़ती है, तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं, नाउ LHS
सबसे पहले हम LHS लेते हैं, मेरा LHS कुछ ये है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16, ये मेरा LHS रहा। ध्यान से देखिए, एक साइन है, कॉस है और टेन है। हम एक बार फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए किसी दो को एक साथ लेते हैं, वो भी अगर हम कोई दो को लेते हैं, दोनों अलग अलग जाति का है, तो सबसे पहले हमें किसी दो को एक जाति बनाने पड़े। या तो आप तीनों को साइन बना सकते हो, तीनों को कॉस बना सकते हो, तीनों को टेन बना सकते हो। चलिए हम तीनों को कॉस बना लेते हैं, एक कॉस है, ये दोनों को कॉस बनानी पड़ेगी, तीनों को कॉस बनानी पड़ेगी। चलिए बात कर लेते हैं, पहले साइन को कॉस बना लेते हैं। देखिए साइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होती है पी बटा एच। तो ऊपर में मेरा हो गया ये पी और नीचे एच हो गया है 13। ध्यान देखिएगा, ये हो गई है पी और ये हो गई है एच, समझ रहे हो ना, ये पी एच। तो इसलिए यहाँ से मुझे बी कितना मिलने वाली है, यहाँ से बी कितना मिलने वाली है, 13 और 5, बी मिलने वाली है 5, है ना, क्योंकि जब पी है 12 और एच है 13, तो ये मिलने वाली हम लोग को 5। ध्यान से, ये तो कॉस है ही, फिर इस टेन को हम कन्वर्ट, टेन होता है पी बटे बी, टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। तो इसीलिए यहाँ से एच कितना होगा, एच के लिए हमको दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, एच आपको निकलने वाली है 65। जब आप 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर को जोड़ोगे ना, तब आपको निकलने वाली है 65। ध्यान से देखिएगा, 65 निकलने वाली है। ये साइन और ये टेन दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, आइए कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस साइन को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, कॉस में। तो कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच, तो बी कहाँ गया भाई 5, अब बटा एच कितना रहा 13। ये कॉस तो है ही, कॉस इनवर्स 4/5 तो है, अब प्लस इस टेन को हम बनाने वाले हैं कॉस। तो कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच, तो बी कितना गया भाई, बी हो रखा है 16, अब बटा एच की जगह पे दिख रहा है 65। बी बटे क्या, तीनों कॉस बन गए। हम एक बार में दोनों फार्मूला को अप्लाई करते हैं, एक बार में लेते हैं। अब ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला होगा एक्स इंटू 5/13 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस, ये 5 है, एक्स वाई कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 169 इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 4×16/25। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये रहा एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। फिर हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं यहाँ पे, अब देख लीजिए, ये जो का तो हम लिखने वाले हैं, ये जो है हम लोग का, ये रहा ये दोनों का फार्मूला, ए सी पी ये दोनों के लिए, प्लस कॉस इनवर्स 16/65 तो है ना भाई, 16/65 है। अब हम लोग को इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, अब इसे हम लोग बढ़ा दें, इसको थोड़ा सा समेटेंगे तो कॉस इनवर्स कितना हो रही है, ये कॉस इनवर्स कितना हो रहा है 4/20/65 माइनस इसको देख लीजिए, केवल 59 में से गया रूट से निकाले कितना हो जाएगा 12/13 और ये कितना हो जाएगी, ये 3/5। तो 12/13 और 3/5 ये रही 12/13 निकल के और ये निकलेगी 3/5, तो 12×36/65 अब प्लस ये कॉस इनवर्स 16/65 तो है ही आपके लिए, आप देख सकते हो। फिर से देखिए, फिर आप इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो कॉस इनवर्स ये 20 में से 36 गया कितना −16/65 अब प्लस कॉस इनवर्स 16/65, देख लीजिए दोनों सेम टू सेम चीज़ें हैं। अब देखो आपको फार्मूला पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कहते थे ना, हो जब हमको कॉस इनवर्स एक्स मिले तो कॉस इनवर्स एक्स को हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देते, अब प्लस कॉस इनवर्स 16/65। अब देखिए ये दोनों कट गई, हमको फाइनली क्या आ गई पाई, जो कि हम लोग के RHS के बराबर है। ऐसा ही आप हल कर सकते हो, है ना, सेम टू सेम। ये सवाल देखिए, थोड़ा सा इसका जगह ये ले लिया, आप इस सवाल को देख सकते हो सेम टू सेम। इसमें आपको तीन आइटम्स है, है ना, तीन आइटम्स है। तो सबसे पहले हम इसके लिए हम इसका LHS लेने वाले हैं, इसका LHS ले लेते हैं ना। जैसे इसका LHS लेंगे, आराम से LHS लीजिए, LHS में कोई दो को एक साथ लेते हैं, कोई भी दो को एक साथ लीजिए, जैसे कि दोनों को लेते हैं तो cos इनवर्स x + y का फॉर्मूला क्या आता है, cos * x * y माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 9/25 इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 12×144/169, ये रही चीज़ है ना। अब प्लस कॉस इनवर्स ये 63/16 तो है ही,
ध्यान देख लेते हैं, तीसरा बेटा 16 है, ध्यान से देख। अब हमको इसको थोड़ा फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, कॉस इनवर्स ये 12/36/65 माइनस, इसको देख लीजिए यहाँ से कितना आने वाला हम लोग को, यहाँ से मतलब 25 में से 4/5 और यहाँ से हो रही है हम लोग को 5/13, यहाँ से हो रही है 4/5, यहाँ से 5/13 के 169 में सिर्फ 24 जो 25, तो यहाँ से 4/5 और यहाँ से 5/13, तो नीचे तो 5 और 13 65 तो हो ही जाएगी ना, हो इधर से 4 और इधर से 5, तो 4×5=20 हो रखा है। अब प्लस कॉस इनवर्स ये 63/16 तो है ही, क्योंकि तीसरा आइटम उसको ढो रहे हैं, जैसे इसको भिन्न का जोड़ करोगे तो कॉस इनवर्स ये 36 में से 20 गया, कितना बचा 16/65 और प्लस कॉस इनवर्स 63/16, सॉरी यहाँ पे क्या है बेटा 63/65 कहाँ गया, 63/65 है, पेन मिस्टेक, 63/65 पेन मिस्टेक, ये चीज़ें हम लोग को मिल रही है, समझ रहे ना। फिर आप इसके बाद फिर आप इसको कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला पे सेट करोगे, आपको लाना क्या है 5/2, फिर आप कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला पे सेट करोगे, कॉस इनवर्स एक्स आगे बढ़ाने के बाद कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला सेट करने के बाद हमको कॉस इनवर्स 0 मिलने वाली, समझ गए ना, कट करके हमको कॉस इनवर्स 0 मिलने वाली है, और 0 को हम लोग कहते हैं पाई बाय 2, समझ रहे हो ना, आपको कॉस इनवर्स 0 मिलने वाली और 0 को हम लोग कहते हैं पाई बाय 2, समझ रहे हैं। ये रही चीज़ें हम लोग का काम, बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं, मुझे बड़ी आसानी, ये रहा कुछ कॉन्सेप्ट, बड़े आराम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू।